आज से 124 साल पहले महू छावनी की स्थापना हुई थी। आइए जानते हैं क्या इतिहास है महू की स्थापना के पीछे। दरअसल 6 जनवरी 1818 को सर जॉन मैलकम और होलकर साम्राज्य के मंत्री तांत्या जोग के बीच मंदसौर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा होलकर के बीच महिदपुर युद्ध की समाप्ति के बाद एक शांति समझौता के रूप में की गई थी। इसी दिन हस्ताक्षरित इस संधि के कारण मऊ छावनी का जन्म हुआ और इंदौर भी होलकरों की राजधानी के रूप में स्थापित हुआ था। मंदसौर संधि क्यों की गई, इस बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार डेंजल लोबो, जिन्होंने मऊ के इतिहास पर 24 पुस्तकें लिखी हैं, ने बताया, 21 दिसंबर 1817 को महिदपुर की लड़ाई हारने के बाद महाराजा मल्हार राव होलकर तृतीय, जो सिर्फ 13 वर्ष के थे, और उनकी सेना जो बच गई थी, साथ ही उनकी माँ केशरीबाई, बहन भीमाबाई और मंत्री तांट्या जोग भी भाग गए थे। वे सब जनवरी में प्रतापगढ़ पहुंचे। ब्रिटिश सेना उनका पीछा कर रही थी और 16 मील दूर मंदसौर में डेरा डाल दिया था। होलकरों के पास दो ही विकल्प थे, या तो आत्मसमर्पण करना या संधि पर हस्ताक्षर करना। बाद वाले को चुना गया और 6 जनवरी को टंट्या जोग शांति संधि करने के लिए मंदसौर में ब्रिटिश शिविर में आए। उन्होंने कहा कि संधि का 7वां अनुच्छेद मऊ छावनी के निर्माण का आधार था, क्योंकि यह कहता है ब्रिटिश सरकार महाराजा मल्हार राव होलकर क्षेत्रों की आंतरिक शांति बनाए रखने और विदेशी शत्रुओं से उनकी रक्षा करने के लिए एक फील्ड फोर्स की स्थापना करेगी। इस संधि के बाद ब्रिटिश अधिकारी ऐसी जगह की तलाश में थे जो उनकी छावनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त हो। 6 जनवरी 1818 के दिन या आने वाले 4 महीनों में भी किसी को नहीं पता था कि मऊ नामक एक छोटे से गांव से सटे क्षेत्र को अंततः ब्रिटिश छावनी के लिए चुना जाएगा। इस कारण यह था कि होलकरों के पास कोई स्थायी राजधानी नहीं थी और वे महेश्वर, इंदौर और भानपुरा के बीच अपनी प्रशासनिक सीटों को स्थानांतरित करते रहते थे। इसलिए सबसे पहले यह महत्वपूर्ण था कि महाराजा होलकर उन स्थानों में से एक को अपनी स्थायी राजधानी के रूप में चुने जो ब्रिटिश छावनी के भी करीबी हो। इसलिए इंदौर को चुना गया। मई के महीने की शुरुआत में मेजर जनरल सर जॉन मैलकम एक छावनी के लिए जगह की तलाश में इंदौर से हरसोला होते हुए आ रहे थे, जब वे गुजरखेड़ा से होते हुए मऊ आए और 10 मई को गवर्नर जनरल को लिखा कि उन्हें छावनी की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान मिल गया है। मऊ में ब्रिटिश छावनी का निर्माण मई 1818 में शुरू हुआ और अक्टूबर तक छावनी की स्थापना भी हो गई। जब अंग्रेजों द्वारा लिखा गया तो मऊ महू बन गया और 1818 के अंत तक इंदौर में रेसिडेंसी की स्थापना भी हो गई और महाराजा मल्हार राव होलकर तृतीय, जो उस समय तक भानपुरा में थे, इंदौर में स्थायी राजधानी बना ली। इस तरह से देखा जाए तो मऊ और इंदौर दोनों की कल्पना 6 जनवरी को मंदसौर की संधि में ही हुई थी। दोस्तों, तो यह था मऊ छावनी की स्थापना का इतिहास। अगर हम इसको मनाते हैं तो भारतीय राजा की हार का जश्न मनाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। पर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके